हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कोई नए फ्रेंड्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन आता है, उसे प्रेस कीजिए। बाद में बेल बटन आता है, उसको भी प्रेस कीजिए। जब मैं कोई भी नया वीडियो रखती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन से पता चलता है। आज का वीडियो है घर पर ही ब्लीच कैसे बनाना है, ये देखते हैं। और सारे नेचुरल के और जो वेजिटेबल होते हैं ना, उनके जूस डाल के आज ब्लीच बना लेते हैं। इससे आपका स्किन फेयर होता है, जो भी दाग धब्बे हैं वो चले जाते हैं। इसके लिए पहले एक बाउल लीजिए और इसमें डालते हैं पोटैटो। इस पोटैटो को मैंने ग्रेट कर लिया है। पोटैटो को कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लीजिए, या नहीं तो आप मिक्सी में डाल के भी इसका जूस निकाल सकते हो। पोटैटो एक नेचुरल ब्लीच जैसे काम करता है। ये अपने स्किन पे व्रिंकल्स को निकाल देता है और दाग धब्बों को भी निकाल देता है। इन दोनों कामों को अच्छे से करता है पोटैटो। अब इसमें डालते हैं टमाटर की जूस। इसमें हम जो भी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। विटामिन सी ही आपके स्किन को ब्राइट बनाता है। इन सारे फलों में विटामिन सी आराम से नेचुरली मिल जाता है। कितने सारे विटामिन सी होने के वेजिटेबल्स और ये लेमन भी डाल देते हैं। खट्टे चीजें ही हमारे स्किन को लाइट बनाते हैं। विटामिन सी का काम है आपके स्किन को लाइट करता है और व्रिंकल्स को हटाता है, आपको स्किन को टाइट भी बनाता है और आपके फेस में एक नेचुरल ग्लो भी देता है। अब इसमें डालते हैं खट्टा दही। इसमें भी विटामिन सी होता है, एक मॉइस्चराइजर जैसे भी काम करता है। सारी चीजें घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिए इस नेचुरल ब्लीच को। वेजिटेबल ब्लीच भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतने सारे वेजिटेबल्स के जूस डाले हैं हमें। अब डालते हैं चने की आटा। ग्राम फ्लोर भी हमारे स्किन को लाइट करता है, जो भी दाग धब्बे हो उनको भी हटा देता है और आपके स्किन को भी एंटी एजिंग जैसे काम करता है। अब डालते हैं थोड़ा सा हल्दी। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए। आपस में सारी चीजें अच्छे से मिल जाना चाहिए, ऐसे अच्छे से क्रीम जैसे बना लीजिए। आप इस ब्लीच को डेली अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा काम करता है। आपके स्किन को टाइट बनाता है और दाग धब्बों को दूर करता है, एंटी एजिंग जैसे काम करता है और एक नेचुरल ब्लीच जैसे भी काम करता है। इतने सारे फायदों वाला ये ब्लीच आप जरूर ट्राई कीजिए। आपके स्किन में एक नेचुरल ग्लो लगाता है। अब इस ब्लीच को आपके चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कीजिए। इस ब्लीच को अप्लाई करने के बाद आप 45 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देना है। जब ही ये धीरे धीरे अंदर जाएगा और अच्छे से काम करेगा। मार्केट वाली ब्लीच जैसे असर तो जल्दी दिखता नहीं है, लेकिन इसे धीरे धीरे आप डेली यूज करने से आपको असर तो जरूर आता है और आपके स्किन भी बहुत हेल्दी होता है। अच्छी चीजें आपको धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होता है और आपका स्किन भी हेल्दी से होता है। 45 मिनट्स बाद ऐसे ही धो दीजिए, आप डेली ऐसे ही कीजिए। ये वाला ब्लीच बहुत ही अच्छा काम करता है, आप जरूर ट्राई कीजिए। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा ना, प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।